फ्रेंड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, क्यों इस घने जंगल में यह मंदिर को बनाया गया। हमारे राज्य में या फिर हमारे देश में बहुत जगह और अभी देखिए हम लोग निकल पड़े हैं पहाड़ी मंदिर के लिए, तो यही है रास्ता, ये देखिए। और आप देख सकते हैं इसको डायरेक्टेड बंगला कहा जाता है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका जंगल का रास्ता खंडरी, और बहुत ही खूबसूरत जगह में है, प्राकृतिक के बीच में बना हुआ ये। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड अभी शाम के बज रहे हैं 4, और देखिए अभी हम लोग आए हैं पहाड़ी मंदिर घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है बिल्कुल घनी जंगलों के बीच पहाड़ी मंदिर है। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए, आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे, पहाड़ी मंदिर कैसे क्या बना है और किस तरह से इसका रास्ता है, कैसे लोग जाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और उधर देखिए बाबू भी है, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक चापाकल है, यहाँ पानी की व्यवस्था भी की गई है। उसके बाद ये रहा जाने की रास्ता, काफी घना जंगल है, चलिए चलते हैं। चलो अगला सफर और अगला सफर हम लोग का मस्त रहेगा। चलो छोटे मामा पकड़ ले, ए, पकड़ लो बड़ी, इधर आ जा, तू उसको गिरने दे, इधर आ जा, इधर दोनों आ जा, इधर आ जा। कोई नहीं गिरेगा, तो पीछे सभी लोग हैं, थोड़ा जल्दी ले जाएंगे। नहीं रे जाने दो, फिर उतर के जाएगी, फिर भी थक जाएगी। चल क्या बोल रहा है, चलो। हाँ काफी चढ़ान है, कैसा लग रहा है? मजा आ गया चढ़ के, मांसपेशी अभी से थकल जैसा लगने लगा होगा। अरे वाह, और अभी हम लोग को दिखा बहुत बड़ा मोर, चल गया ठुपुक ठुपुक करके उधर। अरे वहाँ है वो, कहाँ वो, कहाँ है, लीजिए ना, दिखा नहीं। एक बेल का देखिए पेड़ है, एक बेल मिला मुझे। फ्रेंड बस हम लोग अब पहुंच गए हैं, और काफी ज्यादा जंगल है, जंगलों के बीच में बना है ये पहाड़ी मंदिर, और इनका क्या रहस्य है वो भी आप लोग को बताएंगे। आ जा, शिव जी का प्रणाम करते हैं। और फ्रेंड ये है शिव जी का मंदिर, आप देख सकते हैं। हाँ ये रहा शिव जी का मंदिर, और पहाड़ों के बीच बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ प्रणाम करते हैं, बच्चे हैं उधर, आइए जी इधर है। और यहाँ देखिए नंदी बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, और इनका जो स्थापना हुआ है वो 2010 में हुई है। पूरा शिव परिवार है, और मंदिर काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं पूरा साफ सुथरा मंदिर है। चारों तरफ आप लोग को दिखा देते हैं, और यहाँ है एक तुलसी का पिंडा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बनाया गया है जो तुलसी में जो पानी लोग चढ़ाएंगे तो वो जल को जो है पाइप से यहाँ पर आता है, ये देख सकते हैं। और ये जो है शिवलिंग का पानी भी यहीं पर आता है जंगल। तो चारों तरफ देखिए घना जंगल है इस तरह से, और मंदिर को काफ़ी अच्छा से पेंट किया गया है। और उसके बाद मैं यहाँ बताने वाली हूँ यहाँ का जो क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, कैसे ये मंदिर बना, तो वही खाते। यहाँ से सूरज का जो व्यू आता है बहुत ही खूबसूरत आता है, तो चलिए आप लोग देखिए, बिल्कुल नेत्रहाट की तरह से है इसका व्यू, ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और लोग यहाँ आते हैं शाम के वक्त सूरज का व्यू देखने के लिए भी, ये देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देंगे। फ्रेंड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, क्यों इस घने जंगल में यह मंदिर को बनाया गया है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, यह मंदिर का जो है आविष्कार हुआ है करीब 2002 में। तो यह मंदिर जो है वो
इसलिए क्योंकि जो इस मंदिर में जो अभी जो बना है वो फिलहाल अभी वो पंडित जी यहाँ नहीं है, एगो आम इंसान थे, पंडित जी नहीं थे, और उनका घर जो है मंदिर से करीब आपका 1.5 किलोमीटर दूरी में है। तो उनको एक सपना आया था कि नाग और नागिन की सपना मिली थी कि आके आप लोग देखिए, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये सपना था, लेकिन फिर भी उनके सपने में 2-3-4 बार आता रहा इस तरह का सपना कि वहाँ नाग नागिन है, आप वहाँ जाकर मंदिर का निर्माण कीजिए ताकि उन दोनों को अस्थायी जगह मिल सके। तो उन्होंने अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए वो एक नाग और नागिन उन्होंने अपने आँख से देखा, इस तरह से उनका जो सपना है पूरा हुआ था और नाग और नागिन यहाँ उन्हें मिला है ना। तो उन्होंने इस तरह से संकल्प लिया कि जिस तरह से मेरा सपना भगवान ने मुझे मिला है कि कुछ करने का, तो इस तरह से उन्होंने बहुत जगह में जा करके चंदा इकट्ठा कर करके, हम लोग भी उस टाइम चंदा दिए थे और उस टाइम हम लोग कुछ छोटा रहते थे, तो अभी हम लोग को याद आता है इस तरह से वह जो है चंदा इकट्ठा कर करके इस तरह से मंदिर का निर्माण कराया, बहुत सारे लोग ने सहयोग दिया। और यहाँ वास्तव में नाग और नागिन हम लोग देखे थे एक पोस्टर में, यहाँ का जो वीडियो बनाया गया था छोटा में देख रहे थे, यहाँ का पोस्टर बनाया गया था, वीडियो बनाया गया था, तभी हम लोग को दिखाया गया था एक नाग यहाँ पर रहते थे और वो नाग को हम लोग खुद भी देखे अपने आँख से। इस तरह से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, जितना हम जानते हैं उतना आप लोग को बता देते हैं, छोटा में हम लोग सुने थे और नाग को जो है हम खुद भी अपने आँख से देखे हैं। इस तरह से शिव जी का वो एक रूप था, तो इस तरह से उन्होंने यहाँ विशाल मंदिर का निर्माण कराया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किला का इतिहास क्यों नहीं हम बता रहे हैं, तो फ्रेंड आप लोग को पता होगा कि इस तरह का किला हमारे राज्य में या फिर हमारे देश में बहुत जगहों में मिलते हैं और इसका क्या इतिहास है हमको तो उतना पता नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा, जो आप लोग को हमको पता है वो आप लोग को बता दिए। तो फिर जो किला आप लोग को दिखाए यहाँ पर, चलिए आप लोग को अंदर से दिखाते हैं। और ये किला जो है ये ईंट और चूना पत्थर से बना हुआ है, अब विशेष प्रकार का कोई मिट्टी है, आप देख सकते हैं छू करके, ये गिरता भी नहीं है, यही कॉन्क्रीट और सीमेंट का नहीं है। और चलिए अंदर में आप लोगों को घुस के दिखाते हैं। मेरे ये देखिए इस तरह से लंबा सा है, इस तरह से है, और वो छेदा किस लिए पता नहीं, कुछ रखने के लिए होगा, लड़ाई के पर्पज से लोग बनाते हैं तोहफे वगैरह रख करके। चलिए अब निकलते हैं, किला आप लोग को दिखा दिए, देख रहे हैं फल यहाँ केंद्र का काफी है, चलो तोड़ के देखते हैं। और यहाँ मिला इसको बेल, और वो बेल वो तोड़ पाएंगे, और देखिए कितना मोर का आवाज आ रहा है, काफी शाम हो रहा है, जल्दी लेके और एडवेंचर। अरे तरीके दो मात्र तोड़ा राजा, अरे देखिए लोग भेलवा तोड़ रहा है, चलो ना मोर आने लगा, चलिए निकलिए हो जाएगा। भेलवा मिला, ये देखिए झारखंडी फल भेलवा, सब पका हुआ है, आराम से छुएगा भाई, कहीं घाव ना हो जाए, इससे घाव भी होगा। अभी नहीं, नहीं। अरे नहीं छुएगा इसको, खाने का नहीं है, ले रहना के वक्त सूरज का व्यू देखने के लिए भी। ये देखिए धूप सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देंगे, और यहाँ है इस तरह से किला। इधर आप देख सकते हैं कितना ही घना दिख रहा है। यहाँ देखिए इसके पापा बाबू को दिखा रहे, वाह पसान युग में पहुंच गए आप, और बाबू को यहाँ देखिए दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके, माचिस अगर नहीं रहेगा ना तो वाह बहुत कस के मारते हैं जी, चल जंगल में आग मत लगा दी। ओ भाई साहब बोल दे रहा, ठीक है फ्रेंड आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी अंधेरा हो चुका है और आप लाइट का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, लाइट केवल मंदिर में ही जलती है, बाकी रास्ता में लाइट नहीं है। तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को भी लेके आए हैं, घना जंगल भी है, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो ब्लॉग भी जरा से भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ढेर सारा लाइक कीजिएगा, और चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।